पता है, कुमारन करीब बहुत सुंदर गांव है और इस गांव में मेरे जैसा खाना कोई नहीं बनाता। आप एक बार हमारे हाथ का खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। अच्छा सुनिए, यहाँ तक तो मैंने आपको पहुँचा दिया, लेकिन मिलना किससे है? मिलना नहीं है, मैं तो यहाँ पे रहने के लिए ही आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। वो चर्च के लिए फादर को अपॉइंट किया था ना? है? फादर विंसेंट वटोली। ये मछली। ओके। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ अंदर आ जाओ। वो मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, विंसेंट वटोली। क्यों, यकीन नहीं हो रहा है? ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मैं फादर विलियम, हाँ। फादर जोसेफ का जूनियर। आपका यहाँ स्वागत है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? वैसे नहीं हुई होगी, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ। ना वैसे भी यहाँ तक पहुँचने में परेशानी नहीं होती? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओ वैसे ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हुलिया नहीं, ये कपड़े रेडीमेड है, पैंट शर्ट। मतलब ये इम्पोर्टेड शर्ट है? हाँ। एक फादर को ये शोभा नहीं देता। वो क्या है, कभी कभी ऐसे कपड़े पहन लेता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट लगता हूँ, और इन कपड़ों में लंबा सफर करना थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। मतलब कंफर्टेबल? अब फादर को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती क्या? आपको भूख लगी होगी ना, ये लीजिए खाइए, ये स्प्रिंग रोल है, खाइए। नो थैंक्स। कोई नहीं, मैं खा लेता हूँ। एक फादर के लिए भौतिक चीजों का कोई मोल नहीं होना चाहिए, समझे? ईश्वर के दूत को पैंट शर्ट जैसे कपड़े बिल्कुल शोभा नहीं देते। एक बात ध्यान में रखना, ऐसे कपड़े फिर ना दिखे। फादर, इसके सूच के बारे में, सूच के बारे में ये ध्यान रहे, तुम ईश्वर के अनुयायी हो, ये भौतिक चीजों से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और अगर कुछ ऐसा पहनने का मन करता है तो अपने मन को समझाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जी जी ठीक है। एक बात बताइए, वैसे फादर की यूनिफॉर्म में पॉकेट बनवा सकता हूं कि नहीं? रहने दो, कोई बात नहीं। क्या पता विटोली को किसने भेजा है, आ ही गया है तो देखते हैं। जरा संभाल के, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, पहनो पहनो। मैंने सुना इस बार कोई और कंपटीशन जीत गया, क्यों? वो लोग जीत गए और हम कंपटीशन हार भी गए। लेकिन हारने की कोई और भी वजह हो सकती है ना, क्यों? मैंने अभी तो बोला कि हम लोग हार गए। बैंड के मालिक डेविस और उनकी बीवी मरियमा को जीतने के पैसे भी मिले। तो डेविस ने क्या किया? क्या नहीं किया उन्होंने, बहुत पहुंची हुई चीज है वो, इसीलिए तो जीत गए। खिलाए होंगे किसी को पैसे कब के लिए, ताकि पूरे गाँव में सीना तान के शान से घूम सके। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों का साथ कोई भी नहीं देता है, बताओ। ऐसा क्या? सोलोमन जरा फोन उठाओ। नहीं बाबा, फोन तो आप ही उठाइए, मैंने उठा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप दोनों शाम को 5 बजे चर्च के पीछे वाले गेस्ट हाउस में मुझसे मिलने आ सकते हैं। हम तो सोच रहे थे कि आप हमारे घर पे आएंगे, लेकिन आपने तो हमें ही बुला लिया। अगर आप यहाँ आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता। मुझे तो अरे अरे इधर तो यार, मुझे मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे छीन क्यों रहे हो? हेलो। हाँ बोलो। अरे कैसा है भाई? अच्छा हूँ भाई। तुम यहाँ कब पहुँचे, फोन क्यों नहीं किया? हाँ मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ। ऐसा क्या काम है जो मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया? तुम्हें सीधे घर आना चाहिए था। अरे दो मुझे, घर पे खाने के लिए कब आ रहे हो तुम? अरे आज ही तो आया हूँ, थोड़ी सांस ले लें दो, मैं कभी भी आ सकता हूँ। ये बोल रहा है कभी भी आ जाऊंगा, इसे तो कभी भी उठा के ला सकता हूँ। ऐसे कैसे, मत भूलो कि ये तुम्हारा घर है। देखो अगर तुम हमारे घर पे खाने के लिए नहीं आए ना, तो हम तुम्हें किडनैप कर लेंगे, समझ गए ना? ओके बाबा। बहन है आपकी? हाँ मेरी चचेरी बहन है, नाम है मरियमा। सोलोमन जी, मुझे लगता है तुम्हें क्लैरिनेट बजाने पे ध्यान देना चाहिए। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। सोलोमन रुको,
माना कि वो मेरी बहन है तो सब कुछ बदल जाएगा हा? अरे फादर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चंगना शहरी से विंसेंट वटोली, आज से और अभी से इस गांव कुमारन करी की किस्मत बदलने आया हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं क्या कहूँ, कल की वोटिंग के बाद चर्च में बैंड रहेगा। बोलो सुलेमान, क्या करोगे? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो बैंड से कल ही निकाल दिया गया, अब दूसरा ही कोई वहां पर रहेगा। कल वहां जो भी कुछ हुआ, इसके बाद उन लोगों की बात कौन सुनने वाला है, इसमें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गिवर्गिस बैंड के लिए मुंबई से हमने आप सभी लोगों के लिए एक गाइड को बुलाया है और उनका शुभ नाम है फादर विंसेंट विटोले, जो आपके सामने आकर दो शब्द बोलेंगे। इसी न्यू ईयर पे मुझे पता लगा कि कुमारन करी आना है। मुझे बहुत खुशी हुई। वो अंग्रेजी में खुशी को क्या बोलते हैं, आप ही बताइए। हैप्पीनेस। हाँ बिल्कुल सही। मैंने अपने पिताजी से ही बहुत अच्छी बात सीखी थी, हमेशा खुश रहो और हर जगह खुशियां बांटो। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, कुमारन करी की खुशी बनके। कुमारन करी के कण कण में पवित्रता और सुसंस्कार भी बसे हुए हैं। मैंने देखा यहाँ के लोगों में बहुत प्रेम है। अब हम सबको मिलकर इस अमूल्य कला को बचाना ही होगा। चर्च में आने वाले सभी लोगों को एक साथ प्रेम से मिलकर रहना होगा। वर्षों से जो संगीत की सेवा कर रहे हैं, यह उन्हीं का कमाया हुआ पुण्य है कि हम सब एक साथ मिलकर इस जीवन में इस अमूल्य कला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब फिर से शुरू करते हैं। हमें फिर से सब ठीक करना होगा। सबके अंदर जीतने की आशा जगानी होगी और वो एक ही चीज से संभव है, पूर्ण नाट्य संगीत। कुमारन करी बना सिर्फ संगीत की वजह से, और ये संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्रीवर्गीज बैंड का। हमारे बैंड में ये पियानो भी बजेगा। ये इतने सालों से बंद था पर ये फिर बजेगा। इसे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। स्टीफन आशिन, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसे दे दी, लेकिन आज भी वो हैं, बस साथ में उनका शरीर नहीं है। शायद आप सोचने लगे हैं कि मेहनत करने से क्या होगा, संगीत से घर कैसे चलेगा, लेकिन एक बार लुई पप्पन को देखिए। उन्होंने जीवन भर कुमारन करी की लाज रखी है, कुमारन करी में संगीत जिंदा रखा है। संगीत कोई हल्के में लेने वाला विषय नहीं है और ना मजाक है। किसी की विद्वत्ता जीतने या हारने से तय नहीं होती, सही कहा ना? बोलिए सही कहा ना? बेटा सही कहा ना? बिल्कुल सही। बैंड को उभारने के लिए क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? कितना प्रवचन देता है, गांव बदलने की बात कर रहा है। कोशिश भी मत करना उसके बारे में कुछ बोलने की, वरना
तुम यहाँ? चलो अंदर आओ। मानना पड़ेगा आप भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, इसीलिए तो आपने इतनी गहरी बात इतनी आसानी से समझा दी। ग्रीवर की इस बैंड के मेंबर्स के लिए आप ही एक हिम्मत है, इसके लिए शुक्रिया। आप हमें उभरने से कोई नहीं रोक पाएगा है ना? आओ आओ अंदर आओ, इनसे मिलिए। फ्रांस से आई है मिशेल। बहुत मेहनती है ये लड़की। मेरे पास संगीत सीखने के लिए इसके पिताजी ने इसे यहाँ भेजा है। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। और ये है, और ये है फादर विंसेंट। ये चर्च की तरफ से हमारे लिए आए हैं। आई नो। लोई पापा, सोलोमन प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहा है? वो दिन भर ये साज लेके घूमता रहता है पर बजाता नहीं है। पूछिए इनसे। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिंदगी में कभी बजा पाएगा। आप एक चर्च के फादर हैं? यस। बट यू डांस। चर्च फादर, आप डांस भी कर सकते हैं? मिशेल, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कंफर्टेबल है? मुझे हिंदी भाषा सीखना है, मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तुम्हें डांस के अलावा और क्या पसंद है? आपका संगीत, योर कल्चर, और वो क्या प, प, परम परंपरा। मन में हो तो कुछ भी सीखा जा सकता है, मन में बस दृढ़ता होनी चाहिए। You are a very different man, Father Vincent. I like you. And you are a very different woman. I like you too. Father Vincent! अगर आप priest ना होते तो आपको अपना boyfriend बना लेती। Yeah, I will think about it. Okay, think about it.